एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये आज हमारे घर का नया मेहमान है, नया मेंबर शिफ्ट हो गया है, जो है सिम्या की गाड़ी। तो आज सिम्या की गाड़ी हमारे घर आ गई है। तो काफ़ी दिनों से सिम्या ने पापा से मांगी हुई थी, तो आज फाइनली उसकी गाड़ी आ गई है। तो चलिए आपको अभी अच्छे से दिखाते हैं सिम्या की गाड़ी, और कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। तो सिम्या की गिफ्ट तो आपने देखी, जो उसके पापा ने स्पेशली इसके लिए सोची थी, और मुझे नहीं पता था इतनी जो आज ही आ जाएगी। और इसको भी लेके गए थे, वैसे मुझे नहीं था पता। मेरी ना गाली ले थी ना, उसने ना ये बटन भी होता है ना, उसको दबाते हैं ना, से ना फिर आज चलती है टुन 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 टुन, वो भी गाड़ी चली थी ना टुन टुन। तो अभी दिन के टाइम गए थे ये सभी, और मुझे नहीं था पता क्यों गए हैं। अभी जब आ गई तो देखा तो सिम्या तो काफी खुश है। इसके पापा ने पहले से ही बताया था कि मुझे लेनी है इसके लिए गाड़ी, बट इतनी जल्दी आएगी मुझे नहीं था पता। बट चलो, बच्चे की ख्वाहिश थी पूरी हो गई। बट अभी काफी ज्यादा मुझे तो लगा नहीं लेनी चाहिए थी, बट इनकी फरमाइश थी तो ले गई। तो ये तो हैप्पी है ही है, क्योंकि ये काफी दिनों से बोल रही थी कि मुझे गाड़ी कब लेके दोगे पापा। तो पापा ने इसकी विश पूरी कर दी है, तो सिम्या काफी ज्यादा खुश है। और बस यही है कि अब जरा स्टडी भी करे, क्योंकि ख्वाहिशें तो बच्चे की कभी खत्म नहीं होती है, जो मांगती है हर चीज मिल जाती है। तो अब देखते हैं कैसी लगी आपको अपनी नई गाड़ी। अच्छी। पापा को थैंक यू बोला। पापा थैंक यू। तो देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। शाम का टाइम होने को हुआ, चाय वगैरह हमने पी ली है, और मौसम आज धूप थी तो काफी ज्यादा कपड़े धोए मम्मी ने और मैंने, काफी ज्यादा। और नहा के अभी बैठे हैं फ्रेश होके। अब शाम का खाने बनाने का प्रोसीजर होगा ऊपर, अब देखते हैं क्या आज। वैसे आज व्हाइट चने बनाने की बात हुई है, तो वो भी बनानी है। अब देखते हैं आपको कैसी लगती है वो रेसिपी, मैं बना के दिखाऊंगी आपको। और सिम्या को अभी मेरे ऊपर प्यार आ रहा है, क्योंकि वो गाड़ी देख के काफी खुश है। तो चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो बाय बाय। तो यहाँ पे सिम्या की गाड़ी लगी है चार्ज होने के लिए अभी, तो इसको अभी यहीं छोड़ेंगे हम, यहीं पे रेस्ट पे है मैडम। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, क्योंकि मम्मी परे की तरफ गए हैं, तो सिम्या ज़िद कर रही है कि मुझे भी जाना है। तो बस वही जा रही है। कपड़ों की आप लोग देख लीजिए, आज पूरी भरमार लगी है, बड़े ज़्यादा कपड़े धोए थे मम्मी ने। तो कपड़े थोड़े बहुत सूख गए हैं, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद धूप निकली थी। तो कपड़ों का तो ऐसा है कि हर दूसरे दिन अगले दिन हो ही जाते हैं। तो यहाँ नीचे मम्मी पापा को देख रहे थे, क्योंकि पापा नीचे कुछ काम कर रहे थे, और पास वाली आंटी भी थे बात कर रहे मम्मी के साथ। और ये देखिए हमारे किचन गार्डन में और हमारी मूलियों लगने शुरू हो गई है। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है बारिश के बाद, काफ़ी अच्छी धूप थी आज, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बड़े अच्छे से काम हो गए बड़े ज़्यादा। और धूप अभी जाने वाली थी, तो मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको, ऊपर ऊपर वाले पहाड़ों तक पहुँच गई है धूप काफ़ी ज़्यादा। आज साफ़ सुथरा दिन था, क्योंकि अच्छे से बाहर धूप लगी हुई थी, तो वेदर काफ़ी क्लीन था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, खाना बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं शाम का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज व्हाइट चने या छोले जो कहते हैं, वो मैंने बनाने के बारे में कहा था, तो वो ही बना रही हूँ। मैंने चूल्हे पे इसको बॉईल किया है, और इसके बाद अब इसको यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ गैस पे, क्योंकि जल्दी हो जाता है और साथ में थोड़ा चलना फिरना बढ़ जाता है, और मुझे खड़े खड़े काम करने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे लगाऊंगी तड़का। और आपको पता है, मैं काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैं यहीं पर खड़े होकर लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है, और चपाती वगैरह ही बनाती हूँ चूल्हे पर। तो यहाँ पर जल्दी से तड़का लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सिम्या जो है आपको पता है जल्दी सो जाती है शाम के टाइम। वैसे खाना वो बहुत कम खाती है, बट जब खाती है अगर बना हो तो वो खा भी लेती है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही थी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो जाता है, फिर वो नहीं खाती है, सिर्फ दूध ही पीती है। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ, ताकि सिम्या भी थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा खाना भी खाना उसको ज़रूरी है। बट आजकल के बच्चे खाना की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनको बस चटपटी चीज़ें हो गया और सिर्फ दूध, बस वही होता है आजकल के बच्चों को, खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये तो ऐसा है कि फ्रूट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, नहीं तो आजकल का बुरा हाल है इन बच्चों का। और
मम्मी भी यहीं हैं चूल्हे के पास बैठे हैं, क्योंकि पिछले कल बारिश थी तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो चूल्हे के पास ही बैठे हैं मम्मी। और मैं यहाँ जल्दी से लगा रही थी तड़का ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने जो छोले बनाए थे मैंने कैसे बने थे, बस जल्दी से इसको फ्राई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए जी, मेरे चने रेडी हैं, बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। बस इसके ऊपर मैं धनिया डालूँगी और इनको थोड़ी देर रखूँगी ताकि अच्छे से इसमें मसाला वगैरह, टमाटर प्याज जो भी मैं डाला है थोड़ा बहुत, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक थोड़ी देर इसको यहीं गैस पे ही रखूँगी, उसके बाद उठाऊँगी। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैं आपके साथ दिन की शेयर कर रही हूँ, जब सीमिया मैडम अपनी गाड़ी चला रही थी। वैसे तो थोड़ी देर पहले ड्रामे कर रही थी, डर रही थी एक्चुअली, मैं ऐसे कहूँगी मैं, क्योंकि बच्ची है तो थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर में ही, घंटे आधे घंटे के बाद ही काफ़ी एक्टिव हो गई थी, खुद से चला रही थी हैप्पी से। और शाम के टाइम ही, रात को भी बोल रही थी अभी गाड़ी चलानी है, तो उसको मना करा कि रात में नहीं चलाते हैं। और बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसके पापा ने यूं ही एक दिन इसको कहा था कि मैं तेरे लिए गाड़ी ले आऊँगा, तो बस तभी से उसने ज़िद पकड़ के रखी थी। तो आज उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी उसके पापा ने, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो ये मैं शाम का आपके साथ अब शेयर करूँगी। ये देखिए गाइज, मैंने नाइट वेयर लिया है जो बहुत ही कम और प्राइस में है, और अपने यहाँ की जो मार्केटें लगी हैं वहाँ से लिया है, 600 का है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस तरह के कपड़े। तो मैंने भी और भी बहुत कुछ लिया है, बट अभी मेरे पास यही था तो ही आपके साथ शेयर किया। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने बहुत ही अच्छे मतलब प्राइस में नाइट वेयर लिया है, काफ़ी अच्छा है। और हमारे यहाँ पे जो सेल लगी है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सामान है। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले भी, मैं और भैया गए थे, साथ में मम्मी भी थे, तो विंटर का सामान अभी वैसे काफ़ी अच्छा और बढ़िया क्वालिटी में था, तो हमने भी कुछ चीज़ें ले ली। तो मैंने भी अपने लिए एक नया नाइट वेयर लिया था जो मैं आपके अभी दिखाया। वैसे दो लिए हैं मैंने, एक और है लेकिन वो अभी मैंने मम्मी के रूम में है, परे वाले रूम, तो मैं नहीं लाई। और काफ़ी अच्छा है, और सर्दियों में इन इन तरह की चीज़ों का काफ़ी अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहती है। और वैसे भी अभी मेरा वेट जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है यहाँ इन प्रेगनेंसी में, तो मुझे तो लूज़ लूज़ कपड़े ही अभी अच्छे लग रहे हैं डालने में। जितना ज़्यादा लूज़ हो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़रा सा भी टाइट हो ना तो जैसे लगता है कि मेरी सांस ही रुकने वाली है। तो मैं जितना लूज़ हो उतना ज़्यादा लूज़ कपड़े डाल रही हूँ अभी, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इज़िली डाल रही हूँ, बड़े अच्छे से डाल रही हूँ। और प्रेगनेंसी के अपडेट की बात करूँ तो जैसे जैसे मेरे डे बढ़ रहे हैं ना, मेरे बैक पेन ज़्यादा बढ़ रही है, और साथ में मेरे पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहने लगी है। तो वैसे तो ये नॉर्मली है, मुझे पता है प्रेगनेंसी में सभी के साथ ही ऐसा होता है, बट ऐसा है कि प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कभी कभी, तो जैसे काम करते करते ही पेन बढ़ती है, तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, उसके बाद करती हूँ। और पहले मुझे नहीं थी ये प्रॉब्लम पैरों में दर्द की, अभी कुछ ज़्यादा हो गई है।
जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे हैं शायद मेरा वेट भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी ज़्यादा मतलब हो रही है मुझे प्रॉब्लम। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में तो मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं बढ़ रहा था, बट अभी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आई थिंक, क्योंकि मेरी सांस भी फूल रही है और काम वगैरह करने में दिक्कत आ रही है। वैसे इतना ज़्यादा वेट तो शायद नहीं है, लेकिन 5-6 kg तक बढ़ ही गया है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है खुद को भी। बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है। लेकिन पैरों में दर्द की एक प्रॉब्लम है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बड़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, वो बात है। बट देखते हैं, मैंने वैसे देखा भी था काफ़ी, मैंने सर्च भी किया है कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो नॉर्मल है ये, मैंने देखा है काफ़ी जगह, पढ़ा भी था, तो ये तो होती ही रहता है। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे अभी फेस में कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस कुछ वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें हम माओं को पहले से ही फेस करनी पड़ती है। तो ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया गाइस, छोटा सा ही था। सीमिया की गाड़ी आपने देखी कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और मैसेज भी मुझे कमेंट किया करें, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। और कुछ आपको देखना हो या मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटिव कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।